अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, हमारी फ़्लाइट है। अच्छा, व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, मेरा गला बहुत शदीद ख़राब है, तो आपको मेरी आवाज़ इस तरह से थोड़ी सी लगेगी, तो मैंने कहा मैं स्टार्टिंग में ही बता दूँ। अच्छा जी, हमारी 9 बजे फ़्लाइट है पेशावर से, तो यहाँ पे हम लोग निकल रहे थे घर से। और हम लोग जब निकले थे तब अंधेरा था, बहुत ही अर्ली मॉर्निंग हमने सफ़र का स्टार्ट किया इस्लामाबाद से। और एक और चीज़ ये कि एक तो भाई की गाड़ी है और एक उसके अलावा हमने एक और गाड़ी की थी जिसमें कि मेरे अम्मी अबू और मेरी मदर इन लॉ वो हैं, मेरी नन जो हैं वो चली गई थी, उनकी ड्यूटी थी, और इस वजह से हमने एक और गाड़ी की थी क्योंकि एक गाड़ी में तो सामान भी और हम सारे भी आना पॉसिबल नहीं थे। तो खैर, हम लोग ज़रा जल्दी निकल आए थे और इस वजह से कि हमें बहुत ही ये टेंशन थी कि हम पेशावर तक खैर खैरियत के साथ पहुंच जाएं, तो यहाँ से हमने अपने सफ़र का स्टार्ट किया। और निकलते निकलते भी थोड़ी सी हमें देर हो गई थी क्योंकि जो दूसरी गाड़ी का ड्राइवर था ना, वो बिल्कुल एंड टाइम पे पता नहीं कहाँ चला गया था। तो इसकी वजह से पहले हम वेट करते रहे, आपने देखा होगा वीडियो के स्टार्ट में, और उसके बाद फिर हम लोग पहले निकल आए थे। हमने कहा हम लोग तो निकलें, ये ना हमारी फ़्लाइट मिस हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी वेट कर चुके थे। खैर जी, यहाँ से सफ़र का स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे मैं इस्लामाबाद देख रही थी, तो सुबह सुबह इस्लामाबाद तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन हम लोग जा रहे थे तो इसलिए दिल जो है ना वो काफ़ी उदास था। इस्लामाबाद से अगर आप मोटरवे से जाएं पेशावर तो इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है ना बारिश भी स्टार्ट हो गई थी सुबह सुबह और मौसम काफ़ी अच्छा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने ये वाला बैग लिया और इसमें मैंने सारी चीज़ें डाल दी। ये बैग अम्मी मेरे लिए अभी मरी से लेकर आई थी। खैर जी, हम लोग पहुँच गए पेशावर एयरपोर्ट। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा रश था, आप देख सकते हैं। कि हम लोग लेट हो रहे थे और दूसरा ये था कि लाइंस जो है ना वो गाड़ियाँ बिल्कुल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक यहाँ पे ब्लॉक थी। चेकिंग तो कैंट एरिया में और इन साइड्स पे काफ़ी होती है जहाँ पे एयरपोर्ट हो, लेकिन उसके अलावा जो है ना वो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। लेकिन फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं पेशावर एयरपोर्ट और यहाँ से हमारी 9 बजे फ़्लाइट है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ आगे, इस टाइम पर दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ हुई हुई होती हैं। खैर जी, हमने 2 ट्रॉलीज़ यहाँ पे ली और सामान हमने रखना स्टार्ट किया और यहाँ पे अब हम लोग जा रहे हैं। और मेरा दिल जो है ना वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर का धड़क रहा था और मैंने बहुत कंट्रोल किया हुआ था, बहुत कंट्रोल किया हुआ था। लेकिन मेरी तरह जो लोग भी बाहर रहते हैं, परदेसी होते हैं ना, तो जब भी वो आते हैं अपनी फैमिली को छोड़ के जब वापस जाते हैं ना, तो हमें तो ऐसे लग रहा होता है जैसे फिर से रुखसती हो रही है। बहुत बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने के बावजूद भी रोना आ जाता है। मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया, लेकिन बस हैदर जो है ना, हैदर से जब मैं मिली तो मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। हैदर मेरे लिए सिर्फ मेरा भाई नहीं है, हैदर मेरे लिए बिल्कुल मेरे बच्चे जैसा है, क्योंकि मेरा और उसका थोड़ा सा एज डिफरेंस भी है। और बहुत ज़्यादा मन्नतों से, मुरादों से अल्लाह पाक ने मुझे मेरा भाई दिया और मैंने उसे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह जो है ना बड़ा किया, तो हैदर मुझे बिल्कुल ऐसा प्यार है। और फिर मेरे अपने बच्चे नहीं हुए अभी तक, अल्लाह ताला मुझे दे सबके साथ जिनके बच्चे नहीं हैं, तो इसलिए उसकी मोहब्बत कभी भी ना चेंज हुई और ना तकसीम हुई है, तो इसलिए वो मुझे अभी भी वैसे ही प्यार है, वैसे ही मैं उसके लाड उठाती हूँ, तो बस कंट्रोल नहीं हुआ मुझसे। खैर जी, यहाँ पे हमारा सारा काम हो गया था जो होता है आपका, इमिग्रेशन का, चेकिंग का, लगेज का, सब कुछ हो गया था। उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं प्लेन की तरफ और मैं जो है ना वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैं पहले भी, अभी जब आई थी ना, इससे पहले भी यूके आई थी, तो तब मैंने अकेले सफ़र किया था, मैं तब भी पूरा ही रास्ता, मतलब आधे से ज़्यादा रास्ता मैं रोते ही गई थी, बिल्कुल मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, और आज भी ऐसे ही कुछ हाल था। मैंने अपने लिए विंडो सीट बुक की थी क्योंकि मुझे यहाँ पे बैठना वैसे बहुत अच्छा लगता है, मोस्टली सबको अच्छा लगता है विंडो के साथ बैठ के अपनी जर्नी को, ट्रैवल को एंजॉय करना।
तो खैर यहाँ पे अभी हम लोग रवाना होंगे और यहाँ पे मैं जब देख रही थी ना, एक तो मैं रो बहुत रही थी, मतलब आंसू ही नहीं रुक रहे थे आज। बार बार भाई याद आ रहा था, पेरेंट्स याद आ रहे थे, अम्मी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, क्योंकि अम्मी जो है ना, उनको मैं ही ड्रॉप्स डाल रही थी जब से उनका ऑपरेशन हुआ है, वो किसी से भी ड्रॉप्स नहीं डलवाती थी, तो बहुत ज़्यादा मुझे याद आ रही थी। खैर जी, यहाँ पे मैंने जैसे देखा तो मुझे अपने बैग्स नज़र आए। अच्छा, लास्ट टाइम मेरे बैग्स जो है ना, वो काफ़ी लोगों ने स्क्रीनशॉट्स ले लेके लगाए, तो मैंने कहा चलें जी दोबारा दिखा दूँ, आपको आसानी हो, आप दोबारा स्क्रीनशॉट लेके लगा दें, तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी। खैर यहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा था, मैंने कहा हमारे बैग्स रखे जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये लोग बैग्स रख रहे थे। और मैं वैसे कभी नोट नहीं करती हूँ, आज बस वैसे ही देख रही थी तो मैंने कहा अच्छा इस तरह से रखते हैं, इस तरह से होता है। तो खैर यहाँ पे अब हमारे सफ़र का स्टार्ट होगा, पेशावर से हम लोग अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे और हम यहाँ से जाएंगे दुबई। और ये वाली फ़्लाइट इतनी लंबी तो नहीं है, लेकिन ये है कि खैर खैरियत के साथ अच्छी गुजरी गई थी। और मुझे ऐसे लगता है कि आप जब भी ना बाहर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिन आपको उदासी तो रहती है, लेकिन आप पता नहीं ना चाहते हुए भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और मैं हमेशा यही बात इसीलिए करती हूँ कि जो आते रहते हैं, जो परदेश में रहते हैं, जो मेरी तरह कहीं भी रहते हैं किसी भी मुल्क में अपनों से दूर, तो वो ये चीज़ रियलाइज़ करते हैं। बाकी चीज़ों, बाकी सबको शायद इतना एहसास ना होता हो, लेकिन जिन पे गुज़रती हैं ना, बस वही समझ सकते हैं। खैर जी, यहाँ से हमारे सफ़र का स्टार्ट हो रहा है और अभी आप देखें बस पाकिस्तान को हम अल्लाह हाफिज़ कहने लगे हैं। और ये वाली जो फीलिंग्स होती हैं ना, जैसे ही आप पाकिस्तान की जो ज़मीन है ना, उससे जैसे ही मतलब थोड़ा सा भी दूर जाते हैं, जाने लगते हैं, तो बस दिल आपका ना थोड़ी देर के लिए, दिल आपका बड़ा ज़्यादा उदास हो जाता है। स्पेशली अपना मुल्क तो है, नो डाउट, आप कहीं भी चले जाएं अपना मुल्क अपना होता है, लेकिन अपनों से जो दूर जाने की बात होती है ना, वो सबसे बड़ी होती है। और मुझे वैसे अब प्लेन का सफ़र बहुत अच्छा लगता है। कुछ साल पहले, बहुत साल पहले बल्कि, जब मैं स्टार्टिंग में प्लेन का सफ़र करती थी तब मुझे ज़रा डर लगता था, लेकिन अब मैं प्लेन का सफ़र बहुत इंजॉय करती हूँ। हाँ, ये है कि आपके साथ कंपनी अच्छी हो तो आप इंजॉय करते हैं, लेकिन इस तरह से जो है ना दूर जाना, फिर भी आपका दिल उदास कर देता है। खैर जी, सफ़र का स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत आधे रास्ते तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल उदास रहा, रोती मैं बहुत ज़्यादा रही, लेकिन खैर ये ही ज़िंदगी का जो है ना, वो ज़िंदगी ऐसी है, ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है। और अब अपने घर जाऊंगी, अपना सेटअप वो सब स्टार्ट होगा, तो बस हमारी लाइफ ऐसे ही होती है। जो भी लड़कियाँ होती हैं, लेडीज़ हैं, तो शादी के बाद बस ज़िंदगी ऐसी हो जाती है, क्या कर सकते हैं। बेटियाँ बल्कि ऐसी होती हैं, आधा दिल जो है ना वो अपने घर में होता है, आधा दिल जो है अपने पेरेंट्स में, बहन भाइयों में, वहीं बैठ कर रहता है मेके में अपना। तो खैर जी, यहाँ से सफ़र का स्टार्ट होता है। पानी पिया था क्योंकि रो रो के मेरी बहुत ही बुरी हालत हुई हुई थी। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने जो हमें खाना सर्व किया था, तो दो ऑप्शंस थे, तो ये मुझे नहीं खाना था। मैंने उनको कहा ये मुझे नहीं चाहिए, उन्होंने कहा अच्छा ले लें आप। तो ये जब आया तो मैंने देखा, तो मैंने कहा सॉरी ये मेरे टाइप का नहीं है। तो पहले उन्होंने कहा नहीं, अवेलेबल ही नहीं, ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद जो दूसरी आई थी, तो उनको मैंने कहा, उस्मान ने बल्कि कहा, मैंने कहा मैं तो नहीं खा रही, ले लें। फिर उस्मान ने कहा कि अगर वो है तो दे दें, तो दूसरा ऑप्शन जो है फिर उन्होंने हमें दिया। दूसरा ऑप्शन काफ़ी अच्छा था। अच्छा, मेरा एमिरेट्स के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, मोस्टली अच्छा ही रहा है। खाना भी मुझे इनका बहुत अच्छा लगा है। और आप जब पाकिस्तान से दूर जाते हैं ना, तो मोस्टली ब्लेंड टेस्ट ही होते हैं, तो इस वजह से हमें अब टेस्ट का भी इतना प्रॉब्लम नहीं होता। मिर्च मसाले तो हम वैसे भी इतने नहीं खाते हैं, और अब ज़ाहिर है इतना अरसा फिर बाहर रह जाते हैं, तो आपके टेस्ट, मुझे लगता है टेस्ट बर्ड्स वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन यह है कि ओवरऑल इनका खाना
इनकी चीज़ें अच्छी थी, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। तो ये देखें, ये था नाश्ता, लैम्ब कबाब थे, उसके साथ जो है ना आलू मटर की सब्ज़ी थी। और अच्छा, दो जूस जो आपको नज़र आ रहे होंगे ना, इन्होंने पहले हमें ऑरेंज जूस दिया, तो हमने कहा हमने तो नहीं पीना, मैंगो दें, तो मैंगो है तो आप दें, उन्होंने कहा नहीं मैंगो नहीं, हमने कहा अच्छा कोई बात नहीं है रहने दें, उन्होंने ऑरेंज जूस भी दे दिया। थोड़ी देर बाद आके फिर उन्होंने हमें मैंगो जूस भी दे दिया, तो ऑरेंज जूस तो बहुत ही खट्टा होता है, तो बस अब आ गया था, क्या कर सकते थे, क्योंकि वो सबको अभी सर्व कर रहे थे, तो आप अगर वापस फ़ौरन देते हैं तो वो नहीं लेते इस टाइम पे, तो वो कहते हैं कि आप जो है ना जब लेना हम कलेक्ट करना शुरू करेंगे तो फिर आप दीजिएगा। तो ये बड़ा अच्छा था, योगर्ट बड़ी अच्छी थी यहाँ पे, और स्ट्रॉबेरी तो ऑल टाइम फेवरेट है। अच्छा, उसके साथ ना ये इन्होंने जो मीठे में दिया हुआ था ना, ये कोई अरेबिक डिश थी, बेसन की बनी हुई थी, तो नाम मुझे इसका भूल गया है, लेकिन ये भी अच्छी थी। लेकिन ज़ाहिर है आप इतनी चीज़ें तो नहीं खा सकते हैं, मुझे इनके मीठे बहुत अच्छे लगे, तो मैंने बहुत इंजॉय किया। कुछ या मैं खा लेती थी या मैं रख लेती थी, क्योंकि बाद में चाय के साथ भी बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये खैर इतनी बड़ी फ़्लाइट तो मतलब बहुत लंबी फ़्लाइट तो नहीं थी, 3.5-4 घंटे ऐसे ही लगते हैं दुबई जाने में, तो थोड़ा सा लेट भी जो है ना हमारे सफ़र का स्टार्ट हुआ था, हमारी वजह से अगर नहीं हुआ था, वैसे ही इन्होंने सफ़र का स्टार्ट थोड़ा सा लेट किया था, आई थिंक 1/2 घंटा लेट ही हम लोग रवाना हुए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना सर इतना फट रहा था, मैंने रात को खाना मंगवाया था, बस 1-2 बाइट लेके छोड़ दिए थे, पूरी रात मैं टेंशन से जागती रही थी, क्योंकि ये सारे के सारे सो गए थे और मुझे टेंशन ये थी कि अगर मैं भी सो गई पूरा घर सो गया था, तो ये ना हमारी फ़्लाइट जो है ना मिस हो जाए। और उस्मान भी सो गए थे, सुबह को नाश्ता ही किसी ने नहीं किया, अच्छा उठे तो गैस ही नहीं थी उस टाइम पर, और रात को जो है ना सब बस फ्रेश होके सो गए थे, रात को भी खाना नहीं खाया था, उसके बाद सुबह भी नाश्ता नहीं किया, और वैसे दिल ही नहीं चाह रहा था किसी का ना, गैस तो चले नहीं थी, दिल भी नहीं चाह रहा था। खैर जी, फिर ये था कि अभी जो है ना उस्मान को भूख भी लग रही थी और मेरा तो सर फट रहा था बिल्कुल ही दर्द से, तो चाय आपको पता है इस तरह से ही मिलती है, हम लोग ज़रा कड़क चाय के आदी हैं, वो तो खैर यहाँ से बिल्कुल नहीं मिल सकती सिवाय आपके घर के, लेकिन यह है कि थोड़ा बहुत गुजारा हो गया था। तो बस ही खा पी लिया हमने, जितनी देर में खाया पिया थोड़ा सा रिलैक्स हुए, तो उतनी देर में दुबई आ गया और यहाँ पे जो है ना लैंडिंग होने लगी है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर खैरियत के साथ यहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे ना देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा था, हमारे पास डेज बहुत कम थे, वरना मेरा दिल चाह रहा था मैं यहाँ का वीज़ा लेके ना थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लोर करूँ, मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, और इंशाल्लाह ताला बाकी जो है ना मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी, क्योंकि हम लोगों ने अभी जाना है, इसके बाद आपको पता है यूके जाना है, तो वो इंशाल्लाह ताला मैं सारा आपके साथ कल शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू जी इतनी सारी दुआएँ देने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए, और आप सब मेरे साथ जुड़े रहिएगा, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहिएगा, देते रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।